हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th। चैप्टर 5 हमारे हो चुके हैं, चैप्टर 6 हम शुरू करेंगे आज, ठीक है। चैप्टर 6 है हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ होता है कि इक्वल ना होना, लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे आएगा हमारे पास, तो इसको हम बोल देंगे लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इक्वेशंस होती थी, जैसे 2x + 3y इज इक्वल टू समथिंग, ऐसे करते थे हम उनको, लीनियर इक्वेशंस को पढ़ते थे। अब हमने पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। इक्वालिटी होता है इक्वल, और इनइक्वालिटी नॉट इक्वल, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है। अब इसका इंट्रोडक्शन में देखो क्या है, टू रियल नंबर्स और टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल। कोई भी दो रियल नंबर या फिर दो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि इन सिंबल्स से रिलेटेड हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। उसकी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। कैसे इनइक्वालिटी, देखो अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास 2 है, इसको हम क्या बोल देंगे, 2 < 3। दूसरा हमारे पास आ गया, मान लिया 4 है, ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जैसे 2x < या इक्वल टू 4। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कि एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि या तो ये 4 के इक्वल हो जाए या फिर 4 से लेस हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, मान लिया 2x > या इक्वल टू 8, तो उसके लिए हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी। जब हमारे पास ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स से कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई भी रियल नंबर्स हैं वो रिलेट हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक इनइक्वालिटी। इक्वल नंबर्स कैन बी एडिड टू बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। एक इक्वेशन होगी, उसमें हम जब भी आपको इनइक्वालिटी दे रखी है, मान लिया आपके पास इनइक्वालिटी ये दे रखी है कि 2x है हमारे पास, ये दे रखा है 4, तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लिया 2x की हमें प्लस करना है या 4 को हमें हटाना है, 4 को अगर हटाना है, x की वैल्यू निकालनी है कि 4 को हटाना है, तो ये इधर प्लस 4 है, इसमें से माइनस 4 कर देंगे, या फिर अगर हमारे पास से कुछ और है इसकी जगह, मान लिया अगर हमें इसको करना है तो हम क्या करेंगे, ऐड करना है तो हम क्या कर देंगे, 2 को इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी ऐड करेंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे हम, क्या आ जाएगा 2x + 2, और इधर क्या आ जाएगा 4 + 2 = 6। मींस जो भी हमें नंबर है वो दोनों साइड ऐड करना होगा इनइक्वालिटी में। इक्वल नंबर्स कैन बी एडिड टू द बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हम कभी भी एक साइड ऐड नहीं कर सकते, हमें दोनों साइड्स उसी नंबर को ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 3, इक्वल नंबर्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी। इसी तरह हम दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे इस 4 को हटाना है, अगर इस 4 को हटाना है तो हम इट इज इधर नहीं लेके आ सकते, क्यों, क्योंकि बीच में इनइक्वालिटी है। हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दे रखा है आपके पास 4, इधर लेके आएंगे प्लस माइनस का होगा, तो इट मीन्स हम दोनों में से क्या कर देंगे, 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट 4 बोथ साइड्स, दोनों साइड से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर हमारे पास आ जाएगा 2x - 4, इधर क्या आ जाएगा 4 - 4, अब 4 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 2x - 4 = 0, ये हमारे पास ऐसे आएगा, ठीक है। हम इस सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी दोनों साइड करेंगे, ऐड करेंगे तब भी दोनों साइड। नेक्स्ट है, बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई द सेम पॉजिटिव नंबर। किसी भी सेम पॉजिटिव नंबर से हम इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों साइड करेंगे और दोनों को डिवाइड भी करेंगे, जैसे हमें प्लस माइनस किया, इसी तरह से हम सेम नंबर से दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, और डिवाइड करना है तब भी हम सेम नंबर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 5, when both sides of an inequality are multiplied and divided by a negative number, अगर दोनों साइड, अगर हमारे पास कोई इनइक्वालिटी उसको दोनों साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ए नेगेटिव नंबर, एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर उससे डिवाइड करते हैं, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स, तो जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा हमारे पास, जैसे देखो ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको,
कि हमारे पास एक साइड है 2x + 3, इधर हमारे पास दे रखा है 8। हमें क्या करना है, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हम इधर कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4x + 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। बट अगर हमें मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, अगर हमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2x + 3। इसी तरह हम इधर भी करेंगे 8 - -2। जब हमने दोनों साइड माइनस से कर दिया तो जो हमारे पास साइन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स साइंस चेंज हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है। अब इसको करेंगे -4x - 6, साइन हमारा चेंज हो गया, क्या आया, -16। तो हमने क्या किया, जब हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास पहले साइन दिया हुआ है वो चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक एन इनइक्वालिटी ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे भी सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जैसे हमारे पास है 4x + 3 और इधर दे दिया हमारे पास 8। हमें सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, इधर हमारे पास प्लस 3 है तो हमें इस 3 को अपोजिट साइड लेके जाना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड्स, बोथ साइड्स अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो इधर क्या आ जाएगा, 4x + 3 - 3, इधर भी क्या आ जाएगा, 8 - 3। अब इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4x, और ये एज इट इज़ 8 - 3 - 5। अब हमें क्या करना है, x है हमारे पास, इधर 4x है, x की वैल्यू निकालना है तो डिवाइड कर देंगे इसको 4 से, डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, 4x - 4, इधर आ जाएगा 5/4। तो x 4 से 4 कैंसिल। अब हमारे पास x की जो ये वैल्यू आई इनइक्वालिटी से, उसी को हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन सेट। अब कोई भी इनइक्वालिटी है उसके जो सॉल्यूशंस का सेट है, जो उसके सॉल्यूशन है, अब देखो इसमें हमारे पास क्या आया कि x की वैल्यू है वो क्या होगी, या तो 5/4 के इक्वल होगी या फिर 5/4 से लेस होगी। अब 5/4 से लेस होगी तो 5/4 से लेस में जो नंबर्स आएंगे वो नंबर्स और 5/4 वो सभी जब हम इकट्ठे लिखेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन सेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है 8, द सेट रीजन ऑफ ए सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इज द रीजन विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटी इन द सिस्टम स्ट्रीमसली। अब ये दे रखा है सेट रीजन, आपको सेट रीजन का मीनिंग है, जैसे रियल नंबर्स का सेट दे दिया, इमेजिनरी नंबर्स का सेट दे रखा है, आपको रैशनल नंबर का सेट दे दिया, इस तरह से दे देगा आपको सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के अंदर इज द रीजन, वो एक ऐसा रीजन होता है विच सेटिस्फाई ऑल द गिवन इनइक्वालिटी इन सिस्टम स्ट्रीमसली, कि कंटिन्यूसली एक एक करके वो हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर। जैसे हमें रियल नंबर का सेट दे दिया तो हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो वहाँ उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो जब ऐसे हम बनाते हैं उसको हम क्या बोल देंगे कि कंटिन्यू है, उसको कर रहा है इनइक्वालिटी को सॉल्व। नेक्स्ट है 9, इफ एन इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास जो इनइक्वालिटी वो किसकी फॉर्म में, ax + by < (c) और ax + by > (c), देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ax + by = c आर इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन गिवन इन द सॉल्यूशन रीजन एंड द लाइन इज ड्रॉन थिक।
देखो हमें एक में दे रखा है कि लेस देन या इक्वल टू सी, एक में दे रखा है ग्रेटर देन या इक्वल टू सी, दोनों में जो हमारे पास कंडीशन है, दोनों कंडीशन से एक हमारे पास कॉमन आया कि ए एक्स प्लस बी दोनों में इक्वल के लिए भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, वो इंक्लूड होगा दोनों के अंदर, वो इसमें भी इंक्लूड होगा, वो इसमें भी इंक्लूड होगा, तो एक ऐसा सॉल्यूशन होगा रीजन कि उसका जो सॉल्यूशन है उसका जो रीजन आएगा, एंड द लाइन इज ड्रॉन थिक, तो हम जो लाइन है वो कैसे करेंगे, थिक, थिक मीन्स बिल्कुल बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे जब भी हम फिगर बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो हमारे पास देखो मान लिया ये है फिगर, हमने एक लाइन की इक्वेशन थी उसको सॉल्व किया और लाइन की इक्वेशंस को सॉल्व करके ये आ गया आपके पास। अगर हमें दे रखा है कि इससे लेस देन या इक्वल टू, अगर इक्वल दे रखा है तो हम इसको बिल्कुल बारीक करेंगे, ठीक है, और अगर हमें थिक मीन्स बिल्कुल बारीक, और अगर हमें ये सिर्फ ये दे रखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई, मान लिया सी और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ये दे रखा है, अगर हमें इक्वल नहीं दे रखा, अगर इक्वल के लिए नहीं है हमारे पास लाइन, तो इसको हम क्या करेंगे, डार्क ऐसे, बिल्कुल ऐसे डार्क डार्क, कि ये लाइन भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और अगर इक्वल आ जाता है दोनों में से तो हम क्या बोल देंगे, बिल्कुल बारीक लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये लाइन है वो दोनों में इंक्लूड है, ठीक है। इफ एन इनइक्वालिटी इज ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास इनइक्वालिटी, वो किसके फॉर्म में, इन्होंने दूसरी नोटेशन दे दी डार्क की बजाय, इन्होंने डोटेड लाइन सेट दे दी इसकी नोटेशन, इन इनइक्वालिटी एक इक्वालिटी के अंदर इज ऑफ द फॉर्म, जो किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, देन द पॉइंट्स ऑन द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी आर नॉट इंक्लूड इन द सॉल्यूशन, इट मीन्स ये जो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी जो लाइन है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है इन द सॉल्यूशन रीजन, और जो सॉल्यूशन रीजन है जब हम फिगर ड्रॉ करेंगे उस रीजन की, एंड द लाइन इज ड्रॉन डॉटेड, तो जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो डार्क की बजाय, मैंने डार्क बताया था आपको बट इन्होंने तो क्या बोल दिया, बिल्कुल ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये थी हमारे पास चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू।